मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल से संबंधित हमसे हमारे टीचर के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण कौशल से संबंधित 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षण कौशल का अर्थ, परिभाषाएं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है और विभिन्न जो हमारी एग्जाम में आने वाली जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जो हमारे जो शिक्षाविदों ने जो परिभाषाएं लिखी थी वो परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में मैं आज आपको शिक्षण कौशल के प्रकार बताऊंगी कि शिक्षण कौशल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक बार हम फिर इसके अर्थ को थोड़ा रिमाइंड करेंगे कि शिक्षण कौशल, कौशल शब्द का अर्थ मैंने आपको कई बार बताया, निपुणता, दक्षता, यानी कि जब हम जिस कार्य में निपुणता हासिल कर लेते हैं वो हमारा कौशलता होती है, कौशल होता है। साथ में हम देखेंगे शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है, तो कहते हैं शिक्षक के द्वारा हम शिक्षण कार्य करते समय जिन कौशलों का जिला, या फिर हम कहें कि जो अपना प्रभावीपूर्ण हम जो शिक्षण करवाते हैं उसे रुचिकर बनाते हैं, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हम जिन जिन सब चीजों को काम में लेते हैं, अर्थात हम उसमें कुछ भी काम में लेते हैं वो सब हमारे शिक्षण कौशल के लिए होते हैं। क्योंकि एक शिक्षक का यही दायित्व होता है, वो यही समझता है कि मेरा जो शिक्षण मैं करवा रहा हूँ वो शिक्षण कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। वो उस शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाने के लिए हर संभव अपना प्रयास करता है। क्योंकि कहते हैं शिक्षक का उद्देश्य होता है कि छात्र को जो अधिगम प्रक्रिया करवाई जा रही है उस अधिगम प्रक्रिया में छात्र की पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, साथ में साथ जो हमारे छात्र हमारे विद्यार्थी होते हैं वो उस टॉपिक में, उस विषय वस्तु में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। जब इंटरेस्ट होता है तभी मानते हैं कि हम बच्चे उस चीज को अच्छे से समझते हैं और शिक्षक के लिए जो अपना उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। वो अपना एक नतीजा जब आता है तो वो उनका प्रतिफल जब निकलता है तो वो प्रतिफल उनका पॉजिटिव निकलता है। अगर बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनका वो जो मूल्यांकन, जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव नहीं आता है। इसीलिए शिक्षक ये प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से भी वो कक्षा में तैयार होकर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो प्रयास ऐसा होता है कि वो अपने शिक्षण को इतना प्रभावी बनाना चाहते हैं जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, और उसी को इंटरेस्ट जागृत करने के लिए वो अपने विभिन्न विभिन्न कौशलों का वो प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे शिक्षण कौशल होते हैं। अब हमने देखा है कि हमारे अनेकों शिक्षण कौशल हैं, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं या हम कहीं हमारे प्रयोग में लेने वाले शिक्षण कौशल हैं, हम परीक्षा में उससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने देखा है कि हम बीएड में भी हमारी एक माइक्रो टीचिंग की डायरियां बनाते हैं, तो माइक्रो टीचिंग की जब हम डायरी बनाते हैं तो उसमें भी उन महत्वपूर्ण कौशलों का प्रयोग होता है। आज उन्हीं महत्वपूर्ण कौशलों के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारा कौशल आता है, जो हमारे शिक्षण कौशल है, आज मैं 10 कौशल आपको पढ़ाऊंगी। उनमें से सर्वप्रथम जो हमारा कौशल आता है, सबसे प्रथम जो कौशल है वो है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल के लिए हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। तो हमारा जो प्रस्तावना कौशल होता है वो हमारा पूर्व ज्ञान से होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्किल्स, यानी कि जिसके लिए हम कहते हैं जब हम सर्वप्रथम किसी से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं, उसकी प्रीवियस नॉलेज, यानी कि हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, यानी कि जब हमें किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो उसमें रुचि पैदा करने के लिए और उसमें संबंध स्थापित करने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज पर जाना होता है, हमें पूर्व ज्ञान पर जाना होता है। उसी पूर्व ज्ञान से संबंधित हम आगे हमारे ज्ञान की
वृद्धि करते हैं या उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हमें जिस चीज का ज्ञान लेना होता है उस ज्ञान को हम हमारी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रीवियस नॉलेज से हम जोड़ते कैसे हैं। प्रीवियस नॉलेज से हम वो जोड़ते हैं बच्चों को जो उनका पूर्व ज्ञान है उनसे संबंधित प्रश्न पूछकर। पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछकर यानी कि इसके ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम प्रस्तावना को किस तरह से बनाते हैं। हम प्रश्न से भी बना सकते हैं, हम किसी घटना से भी जोड़ सकते हैं, कोई एग्जांपल हम दे सकते हैं, किसी कहानी के किसी कविता के माध्यम से हम उसे उस प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए हम उसे नवीन ज्ञान देते हैं। यानी कि कहते हैं कि प्रस्तावना को हमें प्रस्तावना हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे नवीन ज्ञान से अपना संबंध जोड़ ले। चाहे हम उसे कहानी भी कहकर या हम कोई स्टोरी सुनाकर या हम कहें कि कोई एग्जांपल हम देते हैं उसके लिए, किसी घटना से हम उसे जोड़ देते हैं। इस तरीके से जोड़ने से हमारा जो नवीन ज्ञान लेने जा रहे हैं हम उस वो नवीन ज्ञान हमें समझ में आता है। कहते हैं कि अगर हमें नया ज्ञान लेना है तो हमें पहले उसके बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए। हम बिना जब तक पूर्व जानकारी नहीं होती है हम नवीन ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान को समझने के लिए हमें पूर्व ज्ञान हमें लेना पड़ता है। क्योंकि जब तक नई चीज हमें समझ में नहीं आएगी जब तक हम उसकी हिस्ट्री ना जाने, और अगर हमें उसकी हिस्ट्री इतिहास जानना है तो हमें उसके पूर्व ज्ञान पर जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पूर्व ज्ञान हम किसी से प्रश्न पूछकर भी कर सकते हैं, कहानी व कविता के माध्यम से, कविता सुनाकर या सुनकर, ठीक है। फिर हम कहेंगे कोई उदाहरण या हम घटित कोई घटना, उदाहरण या घटित घटना, उससे हम उसे जोड़ देते हैं। यानी कि हमें नवीन ज्ञान पर जाना है तो हमें कहीं ना कहीं इसकी प्रीवियस नॉलेज से हमें उसे जोड़ना रहेगा। या हम कहें कोई प्रयोग, कोई हम चित्र दिखाकर, अगर हम ये कह दें कि आज हम महात्मा गांधी का चित्र दिखाकर हम आगे अगर महात्मा गांधी के जीवन परिचय के आगे पढ़ेंगे, उनसे संबंधित हम आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि उन्होंने पहले कहां से ये कार्य शुरू किया। तो यही चीज होती है कि अगर हमें किसी नवीन ज्ञान की जो जानकारी लेनी है तो हमें पूर्व ज्ञान पर जाना होगा। और पूर्व ज्ञान जब तक हमारा हमें पूर्व ज्ञान नहीं होगा उस चीज से संबंधित, तब तक हम नवीन ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो प्रस्तावना कौशल है, ये प्रस्तावना कौशल हमें आगे की ओर दिशा दिखाने के लिए, या हम कहें कि हमें नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में जो हमें आसानी और सुलभता प्रदान करता है वो हमारी प्रस्तावना कौशल है। हमने देखा है प्रस्तावना कौशल में हम क्यों ऐसा करते हैं कि जो हमें जिग जैग से क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी कि हम आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं। जब हम हमारे टॉपिक पर जाते हैं, यानी कि हमें जाना उसी टॉपिक पर है जो हम नवीन ज्ञान लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस नवीन ज्ञान को लेने के लिए हमें पहले हमें पूर्व ज्ञान पर जाना होगा, फिर हम आकर अपने नवीन ज्ञान पर रुकते हैं। इसीलिए जब हम प्रस्तावना क्वेश्चन हम बनाते हैं, हम बीएड में भी हम देखते हैं हमारी माइक्रोटिजिंग में बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है संभावित समस्यात्मक, वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, हमारा टॉपिक, यानी कि हम उस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ना जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसके प्रस्तावना प्रश्न पूछे। तो ये प्रस्तावना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना कौशल ऐसा होना चाहिए जो हमें नवीन ज्ञान से जोड़ सके। इसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्रस्तावना में हम किसी से प्रश्न भी पूछ लेते हैं,
कोई कहानी या कविता के माध्यम से हम उसे जोड़ते हैं, कोई एग्जाम्पल कोई घटना के द्वारा हम उसे जोड़ते हैं। तो इनके माध्यम से हमारा जो प्रस्तावना कौशल, टीचर इसको प्रयोग में लेते हैं प्रस्तावना कौशल को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, यानी कि जो छात्र उसमें अच्छे से इंटरेस्ट प्राप्त कर सके। फिर आता है हमारा जो सेकंड कौशल है, सेकंड कौशल है हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। इसमें क्या करते हैं हम, इस कौशल के लिए कहा है नाम आ रहा है कक्षा कक्ष प्रबंधन। प्रबंधन यानी कि व्यवस्था। जब शिक्षक अपनी कक्षा में कहते हैं कि जब हम इन कौशलों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कक्षा में जिससे कि बच्चों को जो ज्ञान शिक्षक देना चाह रहे हैं वो ज्ञान आसानी से समझ में, यानी कि आवाज स्पष्ट सुनाई दे, जो वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो उन्हें आसानी से दिखे, कक्षा अनुशासन में रहे, यानी कि कक्षा की आकृति, कक्षा की संरचना या कक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाए तो छात्रों को कोई परेशानी ना हो और शिक्षक को भी कोई परेशानी ना हो, वो अपने प्रत्येक छात्र विद्यार्थी पर वो ध्यान रख सके। यानी कि बैठने का तरीका हम किस तरीके से, यानी कक्षा प्रबंधन में आता है हमारा बच्चों छात्रों को बैठाने का, यानी कि बैठक व्यवस्था जो हम किस तरीके से बच्चों को बिठाते हैं। फिर आता है हमारा इसके अंदर हमें कक्षा को कैसे रखनी चाहिए अनुशासन में, कि जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ऐसे अपने कौशल का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लें, कक्षा अनुशासन में रहे। फिर हम देखते हैं कि जो छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो, यानी कि उन्हें ऐसे किसी समस्या का सामना ना करना पड़े जिससे कि बच्चों को जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ ना सके या समझ ना सके, उन्हें दिखाई ना दे। ये जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं बच्चों पर ना आए, इसीलिए वो ये व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था होती है कक्षा प्रबंध, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कक्षा कक्ष की प्रबंध की व्यवस्था हमारे एक कहते ना कि वातावरण जो होता है वो वातावरण हमारा कक्षा प्रबंध से आती है। हमने देखा कि कई बार अगर शिक्षक जाए बच्चे अपनी जो व्यवस्था सही व्यवस्था से नहीं बैठते हैं तो शिक्षक का स्वयं का जो वातावरण होता है पढ़ाने का वो चेंज हो जाता है। बस स्वयं शिक्षक उस चीज को देखकर कहते गुस्से में आ जाना या उन्हें ढंग से व्यवस्था ना मिलने पर आधा टाइम उनका उस व्यवस्था में निकल जाता है। और अगर कक्षा व्यवस्थित मिलती है तो शिक्षक जाकर क्या करते हैं उनका और अच्छे से अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का मन करता है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारा वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी के लिए कहते हैं कि कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन होता है, यानी कि उसकी बैठक व्यवस्था वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम पूर्ण रूप से हम उस शिक्षण प्रक्रिया में रुचि प्रदान कर सके। साथ में ऐसा शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो हमारे अध्यापक जो हमें पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे खड़े हो, 45 डिग्री के कोण पर अगर वो खड़े हैं तो बच्चों को अच्छे से कक्षा, यानी कि बैठक व्यवस्था में आता है ये कि 45 डिग्री पर ब्लैक बोर्ड के सामने अगर शिक्षक खड़े हैं जिससे बच्चों को अच्छा दिखाई दे तो हमारी बैठक व्यवस्था को हम कक्षा प्रबंधन की सही मानेंगे। क्योंकि अगर ये कहीं बच्चों को दिखाई नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो बैठक व्यवस्था है, कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन है, उस व्यवस्था में हमारे कहीं ना कहीं कमी होती है। तो ये हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल था। फिर आता है हमारा श्यामपट कौशल। कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी कि हमारी क्लास मैनेजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट क्लास का। और श्यामपट कौशल हमने कहा हमारा ब्लैक बोर्ड स्केलिंग,
ब्लैक बोर्ड स्किलिंग के लिए क्या कहते हैं, जब हम शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक को पढ़ाने के लिए जैसे उनके चौक डस्टर उसी तरह से कहते हैं ब्लैक बोर्ड शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री में से एक होता है। शांपण कौशल इतना प्रभावी होता है हमारे शिक्षण में कि वो पूर्ण रूप से जो हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हमारे शांपण को जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो शांपण के लिए कहते हैं, शांपण जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री में से कहते हैं, उनका एक तरीके से अगर वो लेफ्ट फुट है तो राइट उनका हैंड क्या है, शांपण है। इसीलिए शांपण के लिए कहते हैं कि शांपण हमेशा जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं उसमें शांपण कौशल, शांपण की अहम भूमिका होती है। अब शांपण कौशल का प्रयोग करते समय शिक्षक को किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सबसे पहले कि कैसा लिखे वो, अच्छा यानी कि स्वच्छ लिखे, स्वच्छ व जो अपनी सीधी लाइन में लिखा, सीधी लाइन में साथ में अपने अक्षरों की बनावट और अक्षरों की बनावट के साथ साथ जो वो चित्र बना रहे हैं, कह रहे ना कि हमें शिक्षण प्रक्रिया को अगर प्रभावी बनाते हैं, हम शांपण का प्रयोग ले रहे हैं, जब हम समझाते हैं तो हमें ऐसे सुंदर वहां पर चित्रों के माध्यम से जो हमारी ब्लैक बोर्ड पर हम बना सके उनके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, उसे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना चाहिए। या हम कहें कि रंगीन चौक का प्रयोग करें। ये हम क्यों करते हैं कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें। किससे सामने देखे हैं कि छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उन्हें जिस चीज को हमें समझाना होता है, एक हम ओरल बोलकर उन्हें समझाएं और एक उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पर चित्रों के माध्यम से हम उन्हें समझाएं, रंगीन चौक का हम प्रयोग करके विभिन्न विभिन्न चित्र बनाएं, तो बच्चे उससे अट्रैक्टिव होते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। और इंटरेस्ट अगर बच्चे लेंगे तो वो जल्दी उन्हें वो चीज समझ में आएगी जिसे वो समझना चाहते हैं। तो हमें हमारे शिक्षण प्रक्रिया को अगर प्रभावी बनाना है शिक्षक को, तो हम इन रंगीन जो हमारा शांपण कौशल है उसका हम सही ढंग से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि जो हमारे अक्षरों की बनावट होती है वो भी हमें प्रभावित करती है, हमारे जो हम विभिन्न रंगीन चौकों का प्रयोग करते हैं, हम चित्रों के माध्यम से जो हम ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं, और साथ में जब हम शांपण पर कार्य करते समय हमें सबसे ज्यादा हम अपने विषय के जो विषय के अनुसार हम क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में हमें शांपण के सामने ऐसे खड़े होना चाहिए शिक्षक को जिससे कि कक्षा के पूरे छात्रों को जो शांपण पर शिक्षक लिखे वो आसानी से और स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि उनकी अक्षरों की बनावट भी ऐसी होनी चाहिए, पीछे तक के फर्स्ट लाइन में जो बच्चा बैठा है उससे लेकर और लास्ट लाइन में जो बच्चा बैठा है उसे स्पष्ट अपने दिखाई दे, तो उस चीज का उन्हें ध्यान रखना है। साथ में वो 45 डिग्री के कोण पर वो खड़े रहे, इन सभी विभिन्न सावधानियों का हम इन कौशलों में प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जो छात्र जो अध्यापक होते हैं वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, यानी कि स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि सारे बच्चों को जो फर्स्ट लाइन में बैठे हैं वहां से लेकर और जो लास्ट लाइन में बैठे हैं उन सभी बच्चों को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। साथ में 45 डिग्री के कोण पर खड़े होकर पढ़ाना चाहिए। इन सभी विभिन्न सावधानियों को शिक्षक अपनाते हैं और अपना इन कौशलों में वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन कौशलों के प्रयोग के माध्यम से ही जो हमारी शिक्षण कौशलता हम हासिल करते हैं शिक्षक, ये सभी हमारे उनके अंदर जो स्किलिंग्स होती है ये हम देखना चाहते हैं, और ये हमारी स्किलिंग जो होती है ये ही हमारी
शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावी बनाते हैं। एक शिक्षक के अंदर ये सारे गुण हमें देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे उसे पढ़ने के लिए पढ़ने की इच्छा जागृत करते हैं। तो ये हमारा प्रथम था प्रस्तावना कौशल, सेकंड था कक्षा कक्ष प्रबंधन, फिर था हमारा शामपट कौशल। अब शामपट कौशल के बाद में हम पढ़ेंगे हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये कौशल एक ऐसा कौशल होता है जो हम हमारे प्राथमिक कक्षाओं में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक जब अध्यापकों कहते हैं ना कि उद्दीपन परिवर्तन क्या है, हमारे शारीरिक जो हाव भाव होते हैं, जिस तरह से शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय जो उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनके हाव भाव, उनके जो पढ़ाने का तरीका, उनके शारीरिक अभाव, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि कई बार हमें कहते हैं कि अगर कोई छात्र स्ट्रेट खड़ा होकर अपनी जगह पर पढ़ाएंगे तो क्या होगा इससे कि बच्चे भी बोर होने लगेंगे। तो शिक्षक को ऐसे हाव भाव अपने संचालित करते रहना चाहिए जिससे कि बच्चे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखा सके। हम प्राथमिक कक्षा के लिए कहते हैं, प्राथमिक कक्षा व उच्च कक्षा के जो अध्यापक होते हैं, जब पढ़ाते समय अपने शरीर का संचालन करते हैं, अपने हाव भाव में परिवर्तन करते हैं, अपने हाथों का संकेत करते हैं, यानी कि शारीरिक जो भी अपनी शारीरिक क्रियाओं का अपने शरीर का संचालन करते हैं, यानी कि शारीरिक संचालन, हाव भाव के साथ साथ वो अपने स्वर में उतार चढ़ाव जो करते हैं, स्वर में उतार चढ़ाव। हमने देखा है कि कई बार जब हम पोयम हमें शिक्षक पढ़ाते हैं तो कभी जो लय के साथ वो पढ़ाते हैं, कभी वो अपना स्वर ऊंचा लेके जाते हैं, कभी नीचा लेके जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसे समझें और जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं जिस विषय वस्तु को, उसमें बच्चे इंटरेस्ट ले। तो वो अपने स्वर को उतार चढ़ाव करना, अपने हाव भाव संचालित करना, अपनी शारीरिक गतिविधियां जो शारीरिक संचालन करते हैं, ये सब हमारे उद्दीपन परिवर्तन जो हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल का एक हिस्सा होता है। जो हम हमारी क्रियाओं में जो परिवर्तन करते हैं, क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो हमारी उद्दीपन परिवर्तन कौशल का ही एक हिस्सा होता है। तो ये सब क्रिया अनुक्रियाएं शिक्षक करते हैं और साथ में इसी अनुक्रिया को हम उद्दीपन कौशल कहते हैं। जब इन सभी चीजों का हम उसमें समावेश करते हैं, ये हमारा उद्दीपन कौशल होता है। उद्दीपन कौशल के माध्यम से हम बच्चों में जो एक ऐसे निरस्ता जो आ जाती है, उनके अंदर बोरियत आ जाती है, उसे दूर करने के लिए ये कौशलों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये समस्त जो कौशल बने हुए हैं शिक्षक के लिए, ये शिक्षक के कौशल हैं। यानी कि ये कौशल बनाए क्यों गए हैं कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संचालित कर सके और बच्चों से जो उनका रिजल्ट प्राप्त हो वो उनका पॉजिटिव प्राप्त हो। यानी कि इन्हें एक शिक्षक हम बनने जा रहे हैं तो हमें इन सभी कौशलों का हमें एक तरीके से कहते हैं ज्ञान होना चाहिए और हमारी शिक्षण प्रक्रिया में हमें इन्हें प्रयोग में लेना चाहिए। धन्यवाद।